हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेमास क्रिएटिव आइडियाज़। तो आज का DIY है, तो इस कार्डबोर्ड्स में बनाने वाली हूँ। तो आज का DIY वेस्ट मटेरियल के ऊपर है, जो हमेशा जैसा रहता है। तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ वेस्ट मटेरियल यूज़ करूँ DIY के लिए। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड को सर्कल कट कर लिया है। तो आप कोई भी डिवाइडर से या फिर कोई भी आप प्लेट से या किसी से भी आप इस तरह से सर्कल को आपको जितना बड़ा चाहिए उतना आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कोस्टर्स बना रही हूँ, तो कोस्टर का जितना आप साइज चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 सर्कल कट कर लिया है। सर्कल को कट करने के बाद मैंने यहाँ लिया एक कार्डबोर्ड का स्ट्रिप, पतला सा कट करके मैंने राउंड में फेविकोल से मैंने चिपका लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है वाइट सीमेंट, इसमें थोड़ा सा फेविकोल और पानी मिक्स करके इसको मैंने पेस्ट बनाया है। तो ये पेस्ट इतना पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ताकि इसमें आप आसानी से इस जो बनाया कार्डबोर्ड का राउंड सर्कल में उसमें आप इसको पोर कर सकें। तो इस तरह से मैंने चारों में स्पून की मदद से मैंने इसमें पोर किया है। उसके बाद इसको मैं 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए रखने वाली हूँ। आप इसके बाद इसमें बीच बीच में पानी डालना है, ताकि ये सीमेंट है तो ये क्रैक ना आ जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फेविकोल भी मिक्स किया है और इसको मैंने 24 आवर्स के बाद इसको मैं थोड़ा पानी में डाली हूँ, क्योंकि कार्डबोर्ड मैंने रखा कार्डबोर्ड से बनाया था और उसमें पेस्ट डाली तो ये चिपक गया था। तो ये पानी में रखने से थोड़ा स्मूथ हो गया और वो ईजीली निकल रहा है। और ये आपके पास इस तरह, तो इस तरह से मैंने इवन किया है, इस तरह से पूरे इसमें मैंने घिस दिया है। और ये अच्छे से ये पानी में रखने से थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, इस तरह से मैंने पूरा राउंड स्मूथ कर दिया है। तो देखिए, ये मार्केट जैसा पोस्टर बन गया है। तो ये पोस्टर जो है अभी इसको कलर करना है, तो लेकिन इसके पहले जो देखिए जो वुडन लुक दिख रहा है, इस तरह से ये मार्केट में वुडन वाले टेक्चर के इस तरह से वुडन लुक आते हैं वुडन के। तो इस तरह सेम वुडन लुक देने के लिए इस तरह से मैंने चेक टेक्चर बनाया दिया है। तो देखिए आप, वुडन लुक जैसा आप घर के वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर भी किया साइड में, ताकि वुडन जैसी दिखे। तो आप अलग अलग कलर कर सकते हैं, आपका चॉइस है। तो यहाँ मैंने अलग अलग कलर किया है, अलग अलग पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ईयरबड का यूज़ करके यहाँ मैंने कुछ फ्लावर बनाया है। तो वैसे मैंने तीनों चारों पोस्टर में मैंने इस तरह से फ्लावर अलग अलग बना दी हूँ। तो ये आपके ऊपर, आपका चॉइस है कि आपको जो आपको ड्रॉ करना है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल कार्डबोर्ड जो फेंकते हैं, उसी से हम इस तरह के आप कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये मार्केट में मिलने वाला कोस्टर आप फ्री में बना चुके हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग कोस्टर्स बना सकते हैं और शेप भी अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ राउंड की जगह आप दूसरा भी कोई भी शेप बना सकते हैं। तो मैंने अलग अलग पैटर्न के फ्लावर भी बना चुकी हूँ। तो इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड है जो आप कैसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने एक आपको आइडिया दिया है। तो ये इसके बाद पोस्टर तो बना लिया है, लेकिन इसको रखने के लिए आपको कुछ बनाना है। तो आप इसको रखने के लिए आप एक बनाना है कंटेनर, जो ऑर्गेनाइज़र है, पोस्टर ऑर्गेनाइज़र। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक मोल्डेड क्ले का बॉक्स जो मेरे पास था। तो उसको मैंने कट कर लिया साइड का, और जो साइड का पोर्शन जो कट किया है, तो उसी को मैं पीछे में चिपका रही, ताकि इसमें आप वाइट सीमेंट का जो पेस्ट डालोगे तो वो लीक ना हो जाए, इसलिए। और उसके अंदर मैंने और एक कार्डबोर्ड का कट करके उसको मैं रखने वाली हूँ, ताकि मुझे एक ऑर्गेनाइज़र जैसे बॉक्स जैसे मिले, ताकि उसमें मैं कोस्टर रखूँ। तो इसको मैंने पेस्ट उसी तरह से बना के इसमें मैंने डाल दिया है। तो उसी में छोटा वाला जो मैंने कट कर लिया, इसको बीच में रख रही हूँ। आप इसको ये ध्यान दें कि आप ये जो आप छोटा वाला जो बीच में रख रहे हैं, तो उसको ज़्यादा प्रेस ना करें, क्योंकि ये प्रेस करने से है ना, आप नीचे का बेस जो है पतला हो जाएगा और आपका नीचे का बेस वो टूट भी सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा हल्के से रखना है, प्रेस करना है। और इस तरह से ये 24 आवर्स के, इसको भी मैंने सूखने के बाद इसको निकाल दिया है, और बीच बीच में पानी छिड़का था। तो ये पानी में रखने के बाद ये अच्छे से ये क्रैक नहीं आया है। और इससे मैंने कलर कर लिया है, और ऐसे सेम पैटर्न का मैंने जो कोस्टर में बनाया था, वो पैटर्न को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो ये पूरे का ऑर्गेनाइज़र के ऊपर मैंने डाल दिए कलर, इस तरह से किया है, फ्लावर बनाया है। तो आप कोई भी आपके चॉइस के हिसाब से फ्लावर बना सकते हैं। तो देखिए, आप इतना वेस्ट मटेरियल से आप इतना अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए मेरा फाइनल लुक।
DIY बनाने के लिए मैंने यह लिया इस तरह का बॉक्स कार्डबोर्ड का, जो मेरे पास जो कुछ मेडिसिन का है, ये एक बॉटल का, तो ये मैं रखी थी क्योंकि इसका जो कार्डबोर्ड है ना बहुत ठीक था, तो मैं सोच रही थी कुछ अच्छा बनाऊँ। तो इस तरह से मैंने एक वेस्ट मटेरियल से कुछ वास बनाने वाली हूँ। तो वास जो है अब एकदम ज़ीरो बजट में बनने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, उसी को सेम नीचे ऊपर जो था उसको कट करके नीचे बेस लगा दिया ताकि ये अच्छे से मजबूत रहे। और आप चाहिए तो आप कोई भी आप मास्टर टेप मास्किंग टेप भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ मैंने जिस्सो अप्लाई किया है। आपके पास अगर जिस्सो नहीं है तो वाइट कलर भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये 10 रुपीज़ का पेपर आराम से मार्केट में मिल जाता है, तो मेरे पास रखा हुआ था ये अलग अलग फ्लावर के, तो उसी को मैं छोटे छोटे फ्लावर्स को कट कर रही हूँ। और आप इस फ्लावर को कट करके आप इसको फेविकॉल से आप ये जो आपने बॉक्स लिया है उसी बॉक्स के ऊपर मैं चिपका रही हूँ ताकि ये ऐसा लुक दिखे कि आपने उसको पेंट किया है या फिर आप ड्रॉ किया है। तो इस तरह पूरे बॉक्स में एक फेविकॉल से मैं पूरा चिपका रही हूँ। तो आप इस तरह से ये 5-10 मिनट में ये बनने वाला DIY आप बना सकते हैं घर में, जो कि आप फ्लावर वास बना सकते हैं इससे, तो और या फिर आप ऑर्गेनाइज़र के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह मैंने पूरे बॉक्स में इस तरह से फ्लावर को चिपका दिया है फेविकॉल से, तो देखिए ये झटपट बन गया है। तो आप अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर नए अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और बढ़ूँ और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो प्लीज़ आपको शेयर मुझे सब्सक्राइब कीजिए करो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वो हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर देखिए आप इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक येलो लाइट कलर लिया है, उसको मैंने डैब डैब किया है। पहले ब्रश से करके देखी थी, अच्छा नहीं लग रहा था, स्ट्रोक दिख रहा था, इसलिए मैंने डैब डैब किया है स्पंज की मदद से। उसके बाद यह आइसक्रीम के स्टिक को मैं ग्लू गन या फिर फेविकॉल से भी आप चिपका सकते, तो मैं या फेविकॉल से मैंने 2-2 स्टिक करके चिपका रही ताकि अच्छे से स्टैंड हो सके, मजबूत रहे। तो मैंने चारों तरफ 2-2 करके मैंने इस तरह से चिपकाया। तो देखिए आप वास बना सकते हैं, देखिए इसका फाइनल लुक।